नहीं छोड़ेंगे। اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة بجاه نبيك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبجاه محبوبك سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. सरकार की उम्मत एक चश्मे ही आ गया
मुर्दों में अगर चाहो तो तुम पर जाए सुभान अल्लाह, मुर्दों में अगर चाहो तो अभी जाए। सबसे बड़ी यही तो फजीलत अली है, सबसे बड़ी यही तो फजीलत फजीलत अली की है। सीरत है जो नबी की सीरत अली की है, सुभान अल्लाह। सीरत है जो नबी की वो सीरत अली की है, अली की है। और मौला हमारे किससे नहीं मुक्तदा नहीं, हर एक सिलसिले पे हुकुम अली की है। हाँ और रब ने जनाब पीर को हर बार जुदा, क्या बात है, रब ने जनाब पीर को हर बार जुदा की। उसने मोहम्मदी दिया नबियों की अदा, उसने मोहम्मदी दिया नबियों की अदा, नबियों की अदा दी और हसनैन का लहू दिया, क्या बात है, हसनैन का लहू दिया है जन्नत की मिलादी, हसनैन का लहू दिया है जन्नत की मिलादी, मिलादी सर पर रिदाए फातिमा ज़हरा की उड़ाई, सर पर रिदाए फातिमा ज़हरा की उड़ाई और कुल अजमतों से कर दिया। फिर उनको मुरस्सा अल्लाह पंचतन की एक तस्वीर बना दी, بالخصوص خليفة الشهداء والسعادة عالم الجليل فاضل النبي مولانا المفتي محمد عبد الرسيد قادر الكاظمي حفظه الله، صوفي ابا صفاء حضرت مولانا شاه محمد عبد المجيد قادر الجشمي دعم البرتاح العدلي وفاداران لهم ملة غم وساران الامه بزادرانِ محبت سبحان اللہ سبحان اللہ سلیم سوداگر قادری سبحان اللہ حفظہ اللہ محمد عبدالعظیم قادری سوداگر حفظہ اللہ خادم اہل سنت الحاج عبدالرفیق قادری اشرفی والا دام اقبال مولانا حافظ سید نثار صاحب، مولانا حافظ عبدالمجید صاحب، مولانا عمر صاحب اور جتنے حاضرین ہیں ان سب کی خدمت میں سلام مسلم پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالے نقص کا تصدق اور فیضان کہ جب کبھی شہر نادیر نے رسول اور آل رسول کی محبت، نبی اور آل نبی کی یاد، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی وفاداری کا ثبوت دے رہے جلسے منعقد کیا جاتے ہیں تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک جمع رفیع جمع ہوتا ہے اور مجھے اس بات سے بڑی مسرت، روحانی اطمینان، بلکہ میں کہوں حوصلہ ملتا ہے جب میں آپ کے جذبہ ایمانی کو دیکھتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ شہزادے حضور وسلم حضور خطیب اکبر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ کی 40 سالہ خدمات کا صلا اور بے شک بے شک سبحان اللہ آج جو سنیت کا اس شہر میں بول بالا ہے، آج جو سنیت اس شہر میں سر اٹھا کر جی رہی ہے، آج جو سنی مسلمان اس شہر میں عزت و وقار کی زندگی گزار رہا ہے، آج مسجدوں کے ممبروں سے جو میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب اور مدحتیں بیان کی جاتی ہیں،
हुजूर की शान में मुकद्दमात के लाज है ये हजारों नाकान शहर के जो आका अलैहिस्सलाम की शान में गर्वे गुनगुना रहे हैं, ये दरूदों की जो मस्जिदें सज रही है, ये मस्जिदों के दीवारों के तो सलाम सलाम की सलाएं बुलंद हो रही है। ऐ नाबे के मुसलमानों, फिर पंच रसूल वाले रसूल का एहसास सता रहा है उसको थोड़ा उधर सता रहा है थोड़ा इसको हटा दो थोड़ा उधर कर दो मुझे भाई इतना जैसे फरमाते हैं सब को कोई उठो मुझसे खाली राय दो हां आप भी उठ के राय अरे अरे इसका को बोले यार भाई ले एक नंबर का हूं और उधर करो और उधर करो बस दूसरे बात करें तो हम सब अल्लाह अल्लाह वाले आज से इसको अगर एक रखे तो ज्यादा मना कभी इसमें से आ रही है कभी उसमें से आ रही है दो कान जवाब कहिए एक पता तो सही रहता इसकी सेटिंग होनी चाहिए डिपार्टमेंट एक छोटे से बच्चे को भी बड़ी समझ रखता है अब सही है बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये कहाँ का है कोई गोरा है अमरीकी है यूरोपीय है अफ्रीकी है सूरत देख कर बता रहे तो ठीक इसी तरह असब असब के एतबार से चेहरे मोड़े के एतबार से भाई मुल्क के एतबार से तो चेहरे बदलते हैं वजाहतें बदलती है कैफियात बदलती है और ठीक इसी तरीके से असब असब के एतबार से भाई कोई मिल रहा हो पता चलेगा कुरैशी हो तो पता चलेगा खलीफा बिरादरी का हो तो पता चलेगा तो ठीक इसी तरह जिस महफिल में सैयद जाता है वो पता चलता है कि ये नबी के खानवादे और फिर कैसे पता चले कि सैयद है तहकीर होगी तब तक दखन में आसिफ जाई हुक्मरानों की हुकूमत थी तब तक तो किसी की मजाक नहीं जी तब तक तो किसी की मजाक नहीं थी कि अपना नसब बदल रहे हैं नसब बदल रहे हैं अब बता जा रहा अमीर मोमिनीन अगर सलीना होने वालों को अल्लाह ताला अनु का दौरे का हो हजरत साहब ने कहा कि अल्लाह ताला अनु इलाज को सफा करने वाला शरीफ फरमा
अमीर मोमिनीन ने उनको खत लिखा कि हजरत नजला अंसार के अल्लाह ताला ने तक एक अंसार सहाबी थे जो बड़े बहादुर और जुर्म थे, उनसे कहा कि फला मकाम को जाओ उस खत्ते को फतह कर और इनको से जवाब। वो खत लिए खत लेकर चले और एक काफिले को जो अलश ने लगा तैयार किया मुजाहिदीन का और कर्बला जब निकले तो एक जनाब के साथ उसको अंसारी पहुंचे या अमीर लश्कर बना कर भेजा गया। अजान का वक्त नमाज का तो उन्होंने कहा कि मैं खुद पढ़ता चूंकि मैं अमीर हूँ मैं खुद अजान दूंगा किसी और से नहीं मैं खुद तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा तो पहाड़ में से एक आवाज बोलो नमूदार पहाड़ में से एक आवाज नमूदार हुई तूने सच कहा अल्लाह से बड़ा बोल سبحان اللہ سبحان اللہ پیروں نے شکر اللہ کا حمد اللہ سبحان اللہ کا حمد اللہ کا تو کہا کہ تم نے سچ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر انہوں نے حضور کی شہادت کی شہادت محمد رسول اللہ شہادت محمد رسول اللہ تو پہاڑ سے آواز آئی اور ایسی ایسی آواز آئی ساری دھرتی کانپ گئی۔ سبحان اللہ سبھی ہر رہے جتنے پرند چرند ان پہاڑوں پہ جمع تھے وہ سب اس کی خوفناک آواز سے دبا کے گئے उस बात ने कहा यही तो है जिनके लिए कायनात बनाई है ये खातिमुन नबीन है तुझे सच कहा यही रसूलुल्लाह है तुझे सच कहा यही नबी अल्लाह है यही सच कहा यही इफ्तिकार किया है तुझे सच कहा फिर हजार सलाम या सलाम या रसूलुल्लाह बहा रहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पर मसान खत्म हो गया। सहाबा का तशवीश कि भाई क्या वादा है कि रसूल ने देखा है सहाबा को बड़ी तशवीश दिया क्या वादा है आवाज तो साहब ने कहा कि कौन है जो हमारी अजान का जवाब दे रहा बाहर नहीं कर रहा नहीं है कौन है नहीं है तुझे अल्लाह के रसूल का वास्ता है। पहाड़ टूटा एक शख्स मुदान हुआ इसकी इतनी बड़ी निश मुबारक थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा। पूछा कि तू कौन है और यहां कब से है तो कहा ईसा जब से गए तब से कहा किसके लिए तो कहा मैंने ईसा से दुआ मांगी थी। कहा क्या दुआ मांगी थी मैंने ईसा से कहा था कि मुझे लंबी उम्र अता की जाए सुभान मुझे लंबी उम्र अता की जाए ताकि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके गुलामों को देख सकूं। कहा किसके फरमाते हो कि दुआ एक कबूल नहीं हुई है तो बोलोगे एक से कबूल नहीं है कि यह मुमकिन नहीं है कि ईसा का भी जमाना पाए और खातिमुन नबीन का भी जमाना पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसकी शाहिद हदीस फरमाते हैं कि इसलिए उसकी एक दुआ कबूल नहीं हुई लेकिन दूसरी दुआ उसकी कबूल इसलिए की गई कि हुजूर के जमाने के बाद ये नमूदार हुआ ये शख्स नमूदार हुआ और नमूदार उसने कहा कि ऐ प्रभु मैं बरसा बरस से यहां पर सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि खातिमुन नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके गुलामों का दीदार कर सकूं। कहा कि ईसा ने जाने से कब खातिमुन नबीयीन के जब औसात हमीदा बना जब उनकी शान उनकी अजमत उनकी रफ़त उनका मकाम उनका मर्तबा उनकी अजमत उनकी शौकत और उनकी नामे औसात ने कहा कि खातिमुन नबीयीन के दौर में उनके जमाने के बाद कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे कुछ लोग ऐसे उनकी उम्मत में पैदा होंगे जो अपना हसब नसब बदलेंगे और कहा कि ये ध्रुवे कयामत की निशानियों में से होगा। कहा ये ध्रुवे कयामत की निशानियों में से होगा तो अब मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर नकली सैयद पैदा हो गए हैं तो क्या अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर नकली सैयद पैदा हो गए हैं तो हम क्या करें लेकिन जो असली सैयद है अगर उनकी शान को मुस्तफी करोगे तो दुनिया भी जाएगी आपके तो दोस्तों ये वस्त्र नवीन है नांदेड़ जो सैयदों के गुलामों की आदत जो नबी और आले नबी के वफादारों की यहाँ के बच्चे बच्चे के उम्र के कपड़े कपड़े ने रसूलुल्लाह और आले रसूल की मोहब्बत बेशक इस शहर पर मुझे कहने दीजिए कि नबी और आले नबी का खसूसी कर्म इसीलिए आए यहाँ पर आका अली सलात व सलाम के दीवाने अल्लाह उनको जजाए खैर दे नौजवानों को उनका यकीन को इनके रफका को जिन्होंने आज के इस जलसे को मुनक्किद किया।
और इनकी दीन और दुनिया आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसको इनाम और इकराम अता फरमाए। आमीन आमीन। दोस्तों मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, सोच के कुछ आया था पढ़ा कुछ और। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद, इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा, एक जुज उस आयत के बाद कि महबूब हमने आपको भेजा है शाहिद और मुबशिर बनाया। क्या बोला गया? मुबशिर, मुबशिर से मुराद है शाहिद, यानी वो जो देखने वाला, जो शहादत देने वाला, आप समझ रहे हैं इस वक्त चैन कर। और दूसरा फरमाया मुबशिर, सब ले रहे हैं जी बेटा, खुशखबरी देने वाला, बशारत सुनाने वाला, मन अलिया, उसके बाद फरमाया डराने वाला। पहले फरमाया शहादत देने वाला, देखने वाला, गवाही देने वाला, उसके बाद एक शाह फरमाया मुबशिर, खुशखबरियां देने वाला। तो खुशखबरी किसे दी जाती है? शहादत किसे दी जाती है? और फिर डराया किसे? इस पर आज कुछ कमें आपकी हमारी गुफ्तगू रहेगी, थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू रहेगी, थोड़ी भारी पड़ेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि नाज़िर के लोग शैतान से बहुत ज्यादा कुछ सुनने वाले हैं। ये तो तैयार हुए, एक नहीं दो तीन नसल तैयार हुए, 40 साल के अंदर जब से आज तक प्रमोशन, एक नहीं मैं समझता तीन जनरेशन तैयार हुए हैं, और सुने कयामत का सिलसिला जारी है, शादी है, हरे जलसे करते रहेंगे, आप आते रहेंगे, मैं बोला हूँ मेरी कस्ते बोलेंगे, इन्होंने करवाया है इनकी रस्ते करवाते रहेंगे, आप इंशाल्लाह। तो दोस्तों मेरे आपके लिए बात की सलात को सलाम शाह और कैसे शाह अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब को मेरे शाहिद बना कर आने के बाद शाहिद क्यों बना, भेजने के बाद शहादत नहीं, पहले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शाहिद बनाया कि मेरे नासला के शाहिद को मुबशिर को बना दिया, भेजा शाहिद बना कर, तो पहले बनाया तो भेजा, आदम को भेजा, यहां थोड़ी करवाया गया जमीन से ये कठिन ऊपर है, जहां पर ये तबीयत खराब है लोग कहते हैं नहीं है ऊपर नहीं, अल्लाह तो एक स्किल भी मैच में हम नहीं जाना है, लेकिन ये बात होता है शुदा के लिए आसमान की तरफ देख के दुआ करते हैं, इसलिए वो किसी फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ देखना, हाथ उठाना, दुआ करना, इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह तबारक तआला आसमानों में जलवा करे और रहमान वाले रश सवार वाले बाग में आए तो कहीं वाले नाम के दूर है अल्लाह वहां पर जलवा करे, तो वहां से भेजा आदम अलैहि सलाम का कभी बनाया गया, जब पुतला बनाया गया तो पति दुनिया से गए, वहां पर पति का भी बहुत जन्नत की क्या दृष्टि कर दी, जन्नत में क्या चीज की कमी है, लेकिन बड्डी अल्लाह ने यहां से बनवाई, जमीनों से बनवाई, वहां पर बनवाया, फिर उसको कानून बनाया, पानी मिलाया, फिर दूध का गांधा उसके बाद बनाया, उसके बाद कई सौ बरस हजरत आदम अल्लाह नबी अलैहि सलाम जन्नतों में आराम फरमा रहे, वहां पर रिहायश पसीर रहे, उसके बाद भेजे, जब भेजे गए तो सफी बना के भेजा, अपना दोस्त बना के भेजा, सारी कायनात का अपन बशर बना के भेजा, उनसे पहले ना इंसान था, ना इंसानियत थी, ना आदमीयत थी, कुछ भी नहीं था, तन्हा तन्हा को भेज दिया, फिर अब आओ की आदम फरमा दिया, वही की बस्ती से जरूर को पैदा फरमा दिया, तो मेरे नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जब शाहिद बनाकर भेजा तो तब था क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस चीज की शहादत बताइए? आदम भी नहीं है, नूर भी नहीं है, चांद भी नहीं है, सितारे भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मरीज भी नहीं है, 18,000 और हमारे आदमी भी है वो भी नहीं है, वो भी नहीं है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रضي الله تعالى عنه हुजूर के सामने जिब्रत अक्दस कुर्बान लाए सहाबा और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरे बाबा आप पर कुर्बान हो जाए, सरकार जरा बताइए तो सही कि सबसे पहले क्या बने, सबसे पहले क्या बने? हजरत जाबिर से हुजूर ने फरमाया कि जाबिर अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा अपने उस वक्त बनाया कुछ भी नहीं बना, उस वक्त बनाया कुछ भी नहीं बना, चांद बनाता था, सूरज बनाता था, सितारे हमेशा बना कुछ भी नहीं, आदम को भी जब नहीं बनाया तब उसको बनाया, और सुन मैं अल्लाह की इजाजत से उसके नूर के
इर्द-गिर्द सैर करता रहता है। क्या करता रहता? उसके नूर के इर्द-गिर्द सैर करता रहता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जब मेरे नबी को पैदा फरमाया तो नबी के खुदा का खुदा का नबी के नबी खुदा करके क्या करते खुदा मुस्तफा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह जाने और अल्लाह के रसूल जाने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके नबी अल्लाह तबारक तआला के क्या क्या जज्बे देखे। अल्लाह तबारक तआला के क्या क्या जज्बे देखे। उसकी शान, उसकी शौकत, उसकी अजमत हर आन अल्लाह फरमाता है कि मेरी शान मिला ले। हर आन हर एक लम्हा भैया क्या बैठे शेर का इनकी जॉब क्या है वो ये घंटे के बाद मेरे लिए आगे मेरे बदल वाली होगी बताइए। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि एक शान हर लम्हा मुख्तलिफ है। शान में इजाफा 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 होता चला जाता है। इस नुक्ते को ध्यान में रखें। अल्लाह तबारक तआला की जिब्रील आई, उसकी अज़मत, उसकी रहमत, उसकी शान, उसकी चौकत, उसकी उलूहियत, उसकी रबूबियत में कभी कमी नहीं आती बट उसकी इजाफा होता चला जाता है। बेशक बेशक। अब इसकी कोई हद है? इसकी कोई हद है? इसकी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक तआला की शान की, उसकी अज़मत की, उसकी रहमत की, उसकी बकाम की, उसकी बुलंदी की कोई हद नहीं। तो अल्लाह ने रूह ज़मीन पर कायनात में एक और इंसान को पैदा कर दिया। कहा कहा मेरी रहमतों की रबूबियत की हद नहीं। उस बकाम तुझको ऐसा नहीं बनाऊंगा, तुझको ऐसी जगह अता करूंगा जहां कहा मेरी रबूबियत होगी। उस बकाम को वहां के मुस्तफा ही कर दो। मुस्तफा वहां वहां तेरी मुस्तफाई मिले। हजरत आदम अला नबी अलैहि सलाम वसीयत आखिरी पर मेरे रशीद अलैहि सलाम और वसीयत पर इंपॉर्टेंट जहां घरों में वसीयत नहीं की जाती वहां झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तनाजात होते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं। कोर्ट कचहरी के पास चली जाती है, बुलाया जाता है, देखो बेटा वसीयत आदम की मुश्किल वहां नहीं होती। इनसे कहो जो इतिहास होता है मस्जिदों में अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम लगाते हैं इतिहास नहीं है या अल्लाह की या मोहम्मद या तो चल रहा और लोग इतिहास के लिए मस्जिदों में सफा का नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दीवाने ये नाम अगर ना होता तो दुनिया में खबर ही नहीं थी। इस नाम ही का तो सत्कार है, इस नाम के सस्ते पर तो सत्कार है। अक्सर देखा हुआ अहले सुन्नत जमात की मसाजिद में हमारे उलमा ने हमारे शायद को मेहनत की जाने सारे के साथ आपको सही अकीदा दिया, सही इस्लाम दिया, समझ रहे हैं ना, सही इस्लाम दिया। तो हजरत शहीद अली सलाम से हजरत आदम और नबी अलैहि सलाम ने कहा देखो बेटा एक वसीयत है तुम्हारे बूढ़े बाद की, अब मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है और मैं कभी भी इस बारे में किसी को कुछ कर सकता हूँ। सुनो अल्लाह खूब हम बयान करना तो एक वफादार बेटा क्या कहे फरमा बरदार बेटा क्या कहे। ये थोड़ी कह जाए यही बनो कहा बाबा जरूर करो और जिसे नबूवत मिली है आलम के बाद वो ये इंकार तो नहीं करे कहा बाबा जरूर करो। उसकी खूब तकदीर बयान करना, उसकी खूब शान बयान करना, उसकी खूब की बजाय बयान करना। और सुनो जब जब उसका नाम लेना तो मोहम्मद का भी नाम जरूर। मेरे नबी को आने हजारों साल बाकी है। अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है, किसका नाम ले लिया है, मुझे इतना सुकून और इत्मीनान मिल रहा है। कहा बेटा सुन जब तेरे बाप को अल्लाह ने अपने दस्तक उदर से बनाया और जब इसके अंदर अपने हुक्म से रूह उठाई और जब अल्लाह तबारक तआला ने तुझे जिंदगी अता फरमाई तो तेरे बाप ने सजदा किया अल्लाह की बारगाह में शुक्राने का और जैसा ही मेरे रब ने कहा कि ऐ आदम सजदे से सर को उठा तो मैंने जब सजदे से सर को उठाया तो मैंने उसके अर्श पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
तो मैं इसी से जान गया, मैं इसी से जान गया कि जिस नाम अल्लाह तबारक तआला अपने नाम के साथ रखा है, इस नाम से ज्यादा मुअज्जज, इस नाम से ज्यादा मुकर्रम और कोई नाम नहीं हो सकता। एक बताऊं तो शुक्र मान जिब्राइल ने कहा साहबा वो तगु फरमा रहे हैं कि आदम सफी अल्लाह है, नूह नजीब अल्लाह है, मूसा करीम अल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है और ईसा रूह अल्लाह है। एक शाम को याद कर हुजूर आए और आकर कहा अच्छा उधर से तशरीफ आए और कहा बेशक आदम सफी अल्लाह है, नूह नजीब अल्लाह है, इब्राहिम खलीफतुल्लाह है, इस्माइल खलीफतुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, मूसा खलीफतुल्लाह है, ईसा अल्लाह, सुनो सरकार वरना मजा आएगी। क्या बात हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुरान के कहा कहूस देखने के लिए उन्होंने कहा मैं क्या किया बताया आप अपने और पर के मिस्र को बुलाकर लीबू दे दी और लीबू देकर हाथ में रख दिए और अका कहा देखो यूसुफ आए हो किया दिए लीबू का आज तक काटते हैं लीबू लोग बहुत काटते हैं मुला मुला तो ज्यादा ही काटते हैं दुकानों के पास जो है आजकल अचानक उनको पता ही परेशानी नहीं है लीबू चाहिए तो किसी बाबा की जमीन पे चले जाते हैं वो 100-200-500 लीबू को काट के लाया करते हैं तो अचार में काम कम से कम आप करें तो लीबू ले लिए इसको मिस्र किया और उनको प्राण दे रहा है अब जगह इसको जलाए तो काट ना तो क्या हो लीबू कटा और उन्हें कट उसमें ऐसे रानाइयां थी देखो मैं पता नहीं चला क्या नहीं चला पता नहीं चला भाई उंगली कटी पता नहीं चला उंगली कटी कैसे पता नहीं चले एक नुक्ता आ रहा है जब एक नुक्ता आ रहा है कैसे पता नहीं चला भाई आपको मैं चुटकी लो तो आपको एहसास होता है मच्छर काटे तो आपको एहसास होता है वो गाय के लिए लेकिन यूसुफ के हस्त में क्या था ऐसा क्या था कि तकलीफ का एहसास क्या बात है सुभान अल्लाह उंगली कटी कोई बात नहीं उंगली अगर फ्रोजन हो सुन हो जाए बात कर रखी जाए एनेस्थीसिया मिल जाए यहाँ पे बदल कर दो पता नहीं डॉक्टर करते रहे ऑपरेशन यहाँ पे मेडिकल फील्ड के माहिर रखते हैं सुफी मुझे खा लेता था क्या एनेस्थीसिया क्या रहता है वो क्या होता है लिक्विड जो डाला रहता है सुन करने के लिए क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया वो जो मेडिकल उस पर काम होता है वो जब डाल जाता है तो उसकी वजह से इतना हिस्सा सुन हो जाता है समझ रहे हैं अब यहाँ पर झुका देना होगा कि समाजों के हवाले कर रहा हूँ यूसुफ अलैहि सलाम सुभान अल्लाह सुभान तो वैसे बैठो जैसे सहाबा बैठते हैं बोलना नहीं क्या पता है कितनी मेहनतों से मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी ने इमाम मुस्लिम ने सियासता के जितने मुहद्दिसीन ने कितनी चाशानियों के साथ कितनी हदीसें बताते एक एक हजार मील चल कर जाते और जाते आते तो वजू करते बैठ कर इनकी मेहनतों मशक्कतों के बाद उनको अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व सलाम की हदीस मिली और वो तो अल्लाह वाला के अकरम ताहिर व आदि साहब का एक बड़ा अजीब कारनामा अंजाम दे रहे हैं लोग इतराज करते हैं मैं कहता हूँ कैसे कादरी हो जाए कादरी हो के दूसरे कादरी पे इतराज करते हैं 12,000 नबी आ चुके 12,000 हदीस से मौला ये कायनात की लेकर आते हैं किसने कहते कहा मैं कहता हूँ अहले सुन्नत से भाई ये इंतजार बहुत हो गया लड़ाई झगड़े में आप पीछे हो गए उसकी मिसाल में उनके दो बच्चे सड़क पर लड़ते रहे
सुबह से शाम को वही है वही है वही है। एक गया भी मदरसे को गया भी पढ़ा भी बड़ा बना भी किताबें भी लिख दी किताबें भी चार की बात बताया फिर देखा जवान हो गए फिर लड़ गए बूढ़े हो गए फिर याद नहीं है फिर गोबो गोबो फिर लड़ गए। तो अहले सुन्नत का यह मामला हो गया है दोस्तों जिधर देखो लड़ गए बढ़ गए खानों में लड़ गए। नहीं आपको बढ़ना नहीं है आपको खानों में बढ़नी नहीं है हमारा काम ही नहीं आपको खानों में बांट दे। हम तो कहते हैं आए अली की मोहब्बत जमा हो मोहब्बत में जमा हो जाओ। ये झगड़े इसलिए है ये खारिजियत को अपने जहनों से निकालो ये खारिजियत का जो आपके जहनों में खुराफात जो गंदगियां हो गई इसे निकालो आओ उससे मोहब्बत करो जिससे मुस्तफा मोहब्बत और उनसे मोहब्बत करो जिसकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आए खबर में भी काम आए हश्र में भी काम आए। ये अहले बैत के अलावा कोई नहीं है दोस्तों अहले बैत है जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आए खबर में भी काम आए हश्र में भी काम आए बेशक हम तो बुलाते ही आओ अहले बैत की मोहब्बत कहां पर जमा हो जाओ ऐसे तैयब से मोहब्बत करो जिनकी मोहब्बत से रसूलुल्लाह एक बार तवज्जो करके दुआ करो अल्लाह सलाम अल्लाह के सबसे अहम पर दुआ करना सीखें सलाम और सलाम अपने दुआ से दिया के लिए आ रसूलुल्लाह इन नार से ना कशा हो जो मोहब्बत जीरो को बना दिया कि मैंने हमने आपको बेगशा से बना क्या बना कर शाहिद बना कर हजरत जाकर अल्लाह तआला ने हुजूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाबा आप कुर्बान हो गए सरकार बताइए तो सही कि सबसे पहले क्या तो कहा अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसके बाद क्या हुआ सरकार तो कहा सुन क्या बोले उसके बाद अल्लाह ने चाहा कि सब कुछ बनाया क्या क्या सब कुछ बनाया जाए वहां सुबहान वो ताला ने जब इरादा किया कि कायनात को बनाया जाए तो उसने मेरे नूर को लिया अपने नूर से बना देते उसके पास किस चीज की कमी है उसके खजाने में लेकिन नहीं उसने अपने नबी का नूर सुभान अल्लाह उसने अपने नबी का नूर लिया। अब देखिए एक अहम चीज आपके समाज के हवाले करना साइंस इस नतीजे पर पहुंच रही है जब वो मेरे नबी का इशारा था वो वहां तक पहुंच गए नूर का हिस्सा मिला मेरे और आपके नबी का और अल्लाह तबारक व तआला है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर है। अल्लाह ने इस नूर को चार हिस्सों में डिवाइड कर तकसीर कर दिया कितने चार हिस्सों में तकसीर कर दिया और मेरे नबी फरमाते हैं नूर का पहला हिस्सा लिया और लेकर उससे कलम बनाया सुभान अल्लाह क्या बनाया कलम वो कलम नहीं जो आप हम रखते वो कलम जिससे सब कुछ लिखा जाने वाला तवज्जो है आप वो कलम जिससे सब कुछ लिखा जाने वाला है। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कलम बनाया और मेरे नूर का दूसरा हिस्सा लिया अब लिखने के लिए भी कोई जगह चाहिए कलम है तो फिर किरदार कलम है तो पेपर भी चाहिए कलम है तो कोई डेटा जहां पर लिखा जाए जहां ट्रांसफर किया जाए ऐसा कोई बोर्ड भी तो चाहिए ऐसा कोई सिस्टम भी तो चाहिए तो अदा तुम्हारे लॉ बनाए क्या बनाए लॉ जहां पर सब कुछ लिखा जाने वाला है तवज्जो तफसीर में लिखा होगा बहुत बातें आपसे करती है कलम बनाया मेरे नबी फरमाते हैं कलम मेरे नूर से बनाया गया क्या बात है क्या वो कलम जिसने लिखा गया कि आदम की मट्टी कहां से लाएगी वो कलम जिसने लिखा गया कि आदम को बनाने के लिए पानी कहां से लाया जाएगा वो कलम जिसने लिखा गया कि जन्नत में आदम कब तक रहेंगे वो कलम जिसने लिखा गया कि आदम को जमीन पर कब फेंका जाएगा वो कलम जिसने लिखा गया कि हवा से मुलाकात कब होगी वो कलम जिसने लिखा गया कि हवा से शर्म कब होगी वो कलम जिसने लिखा गया कि आदम की तौबा कब कबूल होगी वो कलम मेरे नबी के नूर से बनाया गया अल्लाह के बंदे कौन कौन से आदम तलाश
करेंगे। शहादत जब कुछ नहीं था और सब कुछ बन रहा था, सब देख रहे, सब देख रहे, सूरत बनाया गया, अर्श बनाया गया, हुजूर फरमाते हैं अर्श बनाया गया, फिर आप जा रहे अर्श बना लिए, फिर चौथे हिस्से का टुकड़ा किया गया, फिर सब कुछ बनाया गया, कौन देख रहा है? कोई है? अरे बताओ, कोई देख रहा है? कोई सूफी है? कोई मुजद्दिद है? कोई मुहद्दिस है? कोई शेख है? कोई आलिम है? कोई बादशाह है? बताएं कोई है? मेरे मुस्तफा के सिवा कोई है नहीं। सुबह बन रहा है देखिए, वाह अल्लाह तबारक तआला ने मेरे नूर से जैसे जबरदस्त शहर बनाया। देखिए हुजूर, देख रहे शाही है, क्या है शाही है? ये बात तो बच्चों में रखें, इंशाल्लाह अपना लुत्फ आए। तुम शाही देखिए, सूरत बन रहा है, सूरत का काम क्या है? सूरत का काम यह है कि ये नहीं देखा तो दाना सड़ जाए, इंसानियत सड़ कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इंसानियत के लिए, लिविंग थिंग्स की बफा के लिए, लिविंग थिंग्स को सस्टेन करने के लिए, इन बनशुमार आने के लिए, बायोलॉजी के लिए अगर देखा जाए, एग्रीकल्चर के लिए अगर देखा जाए, तो सूरत का होना बहुत जरूरी। और जिस खत्ते में सूरत की चुहाई नहीं आती, वहां जिंदगी नहीं होती। क्या बात समझ रहे हैं? क्या बात है सुभान अल्लाह। खत्तों में सूरत की चुहाई नहीं आती, वहां पर नशोनुमा नहीं होती, वहां जिंदगी नहीं होती। कितने दिन रहेंगे? दो चार पांच दिन के बाद नहीं चाहते कि आधा का औरत ही कोई मरबूब हो, ऐसा कमजोर हो,
नहीं, हम तो चाहते हैं कि अली का हर गुलाम शेर, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे हड्डियों में ताकत हो, अली के गुलामों में जुर्रत हो। तो ये सूरज जब अपनी आप और ताप के साथ निकल जाता है तो झुलसाने लगता है। यही है हुजूर देख रहे हैं कि ये वही है जो फायदा भी देगा और ये वही है जिसकी दूर लगने से लोग बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर देख रहे हैं चांद, चांद कितना हसीन, कितना खूबसूरत है। जब ये चौधरी का चांद नजर आता है अपनी आप और ताप पर तो बड़ा हसीन लगता है। लेकिन उन इलाकों से पूछे जो समुद्री साहिबों में रहते हैं लोग, 14 आते ही जवार भाटा आता है, 14 आते ही हर एक 27 पैदा हो जाते हैं, समंदर में नमो कुछ पैदा हो जाता है, समंदर बड़ी बड़ी उसे क्या कहते हैं रेत पैदा कर देता है जिसकी वजह से साहिबी लोगों को कहो कपड़ा कच्चा पैदा हो जाता है। हुजूर देख रहे हैं चांद चांद की भी जगह, यही चांद की वजह से गुस्सा भी हो जाता। आज की तवज्जो है सितारे सजारे हैं, रोशनी का परिदान जान भी दे रहे हैं, यही सितारे हैं, यही वो स्टार्स है, यही वो कॉन्स्टिलेशन है, यही वो गैलेक्सी है, इसकी वजह से आपको फायदा भी मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं गिर जाए, कहीं गिर जाए बिजली मंडल गिर जाए, कहीं स्टार्स गिर जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हुजूर सारी कायनात जो अशिया है जो हुजूर के नूर से बनी है, फायदा देने में इसका नुकसान भी देख रहे हैं कि नहीं, तो फायदा उसको मिलेगा जो मुस्तफा का वफादार है। सूरज से फायदा उठाना हो तो मुस्तफा के वफादार होगा, चांद से फायदा उठाना है तो मुस्तफा के वफादार होता हो, सितारों से फायदा उठाना है तो मुस्तफा के वफादार होता हो। कायनात के जर्रे जर्रे से अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो, दुनिया वाकई अपना दुआओ मुस्तफा के गुना से होगा। सूरज इसका काम करा देगा, हर शिका देगा मुस्तफा को ना देंगे, आना समाने से भी आएगा समाने से कौन है तो बर्दाश्त कर सकेगा। बताइए जो बर्दाश्त कर ले, लेकिन सुनो जो मेरे नबी को रोड मारता था वो सूरज से कहेगा अरे तेरी कोई हकीकत नहीं है, तो मैं कहा के गुलाम को नहीं चला सकता क्योंकि मैं उस कौन का गुलाम हूं जिस दूर के सबसे गर्म ले तुझे दुनिया में रहेंगे आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदगी आप और खबर में जाए तो सुकून से रिश्ता आएगा मौत का। हम कहेंगे आप आप भी तो मेरे नबी के नूर से बने है कि नहीं, इसीलिए देखो आप तो सुनी के आप है कि बड़ा सुकून होता है कि चेहरों पे जब पड़ते हैं इनके चेहरे बताते, ये जब पढ़ते हैं तो इनके चेहरे बताते पता चलता है इतने आराम से गया। और एक था बड़ा प्रोफेसर पाकिस्तानी, जरा चीख चीख कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अपने उसका मुस्ताक न था। आप उसका चेहरा देखें, किसी कहने वाले ने कहा कि अली के दुश्मनों की आग पर पहचान दो लोगों, अली के दुश्मनों की आग पर पहचान दो लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचान नहीं जाती, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचान नहीं जाती। हम जब जाते हैं तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ हुजूर बैठे हैं आकर बैठे हुजूर के पास आए तो बड़े आराम से ऐसे थोड़ी आए जैसे आपके पास हमारे पास जैसा पिछली साल में गाँवों में आते नहीं, थोड़ी आप ज्यादा प्रदर्शन करके नूरानी तरीके से लिबास से बदल के रखा करते। हुजूर ने कहा कि इसराइल तू ऐसे ही आएगा जैसे आप आया है ये उम्र के पास। देखो हुजूर को कितनी फिक्र है और कितनी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का शाहिद हूं तुम बशीर, बशीर भी तो मेरे नबी है, बशीर भी तो मेरे नबी है, बशारत देने के लिए भी तो मेरे नबी आए, तो बशारत कौन देगा, जिसको बशारत मिलेगी वही देगा। सुभान अल्लाह जिसको वहां से मिलेगा वो यही देगा बेशक। हुजूर को अल्लाह कहता है मैंने मुबशिर बना के भेजा, बशारत देने वाला बना के भेजा, खुतबा भी क्या देने बना के भेजा। अब नबी ने कहा कि मेरे ऊपर तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त तक जगह नहीं जाऊंगा तब तक तुझे नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह भाभी को बड़ी तकलीफ होती है कैसे जाऊंगा बड़ी खतरनाक सूरत बना कर जाओ। उसने कहा मुझे बता
मुझे पता कैसी सूरत में जाएगा मेरी उम्मत के लोग हाउस करने के मेरी बना ली है कि आपके साथ असल शक सूरत में आओ। उन्होंने कहा मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ सरकार ने, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ सरकार के हुक्म में तो आता हूँ सर आप हदीस कर रहा हूँ और वहाँ पे लोग उधर हजूरत पढ़ रहे इसराइल अपनी असल शक व सूरत मेरा उतार हजूर फरमाते हैं कि मैंने कायनात में ना इतना बदसूरत किसी को देखा है कि सूरत इतनी खतरनाक। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस्म से ऐसी खौफनाक बदबू इतनी खतरनाक बू आती है कि पढ़ने वाला पहले से परेशान हो वो खौफ के बारे उसका आलम क्या है। भाई अच्छा खट्टा आदमी हो शायद मगर खतरनाक सूरत देख गया तो सौदा का बिगड़ा परिवार नहीं होता है डरने की बोलती माइस की सर डाल दी बेटा पढ़ो आते ही बड़े बड़े गाड़ी ऊंचे ऊंचे पजामे यहाँ पे घटे हमारे बच्चे बाहर बैठे थे देखते रह जाते हम भी हम भी बेटा पढ़ते हो शहर मेरे शहर मैं बेटा कितना बोलना लगते हैं मैं मार खतरनाक सीने से लगा क्यों नबी का नूर नहीं यहाँ पर नूर नहीं है नूर रहता तो चेहरे चमकते चेहरे चमकते थे सरकार को नूर नहीं हुआ इसलिए चेहरा नहीं चमकता है परेशान के आसार क्या हाल इतनी खतरनाक सूरत में उठाए तो इजाइल था कि यार सूरत क्या हो तो कहा सबके पास मेरी उम्र है।